हम लोग ये वीडियो इसलिए बना रहे हैं क्योंकि जो हम लोग सब जानते हैं, हम लोग जान रहे हैं अभी कि जो BS4 और जो BS6 जो बाइक आए हैं अभी, वो सब में ऑटोमेटिक एनी टाइम लाइट जो चलते रहता है ना, जो मेन लाइट जो है, हेड लाइट जो है चलते रहता है, एनी टाइम वो ग्लो करते रहता है। तो अपनों क्या करेंगे उसको, ऐसे में थोड़ा अच्छा नहीं लगता कि एनी टाइम बस जल ही रहा है तो फिर, और पार्किंग लाइट साथ में जल रहा है। तो ऐसे में क्या है, हम लोग हेलोजन जो अपना मेन लाइट जो है, हेड लाइट जो है, उसको हम लोग बंद कर देंगे, उसको हम लोग बंद कर देंगे, और जो पार्किंग लाइट जो है उसको हम लोग एनी टाइम ऑन रखेंगे, हो जाएगा, बैटरी भी सेव, बैटरी बचेगी, बोल सकते हैं ऐसे। इसलिए हम लोग ये वीडियो बना रहे हैं, स्विच डाल के उसको ऑन ऑफ कर सकें, उसको ऑन ऑफ कर सकें, फिर ऐसे होगा, आगे देखते हैं। चलो भाई लोग वीडियो की शुरुआत करते हैं। ये अपना बोल सकते हैं जो हाइड्रोजन में लगे रहते हैं ना, जो स्विच जो वाइजर के नीचे लगा रहता है, जो हाइड्रोजन में, हाइड्रोजन अपना बाइक के हाइड्रोजन में लगा रहता है, जो स्विच रहता है, ये वो स्विच है। उसमें जो ये वाला जो पार्ट रहता है, वाला जो स्लॉट रहता है, वो रहता है अपना ग्राउंड का, और बाकी ये दोनों रहता है लो बीम हाई बीम के लिए। तो अपना क्या करेंगे, अपने को जब वो स्विच को जब ऑन ऑफ स्विच डालना है उसमें, तो फिर उसके लिए हम लोग जो ग्राउंड वाला स्विच रहेगा वो तो यूनिवर्सल रहेगा, वो एक ही रहेगा, बाकी दो अलग अलग हैं। तो जो ये एक ही है, ये दोनों में सप्लाई करेगा अपना, जो पाथ कंप्लीट दोनों में करेगा, ये वाला नेगेटिव वाला जो ग्राउंड जो स्विच है वो, ग्राउंड जो स्लॉट है वो। तो हम लोग क्या करेंगे, जो ग्राउंड के जो स्लॉट वायर है उसको देखेंगे कहाँ तक जा रहा है, और जहाँ पास हम लोग कंफर्टेबल रहेगा कि जहाँ पास हम लोग काट सकते हैं उसको, वहाँ पास उसको हम लोग एक बार काट देंगे। और उसके जो दो टर्मिनल रहेगा उसमें एक ऑन ऑफ स्विच लेंगे, एक ऑन ऑफ स्विच लेंगे ऐसे, उस ऑन ऑफ स्विच को, इसके जो वायर को यहाँ से कट करेंगे। मान लो कि यहाँ पास, सपोज कर लो कि यहाँ पास कट किए हम लोग, तो क्या करेंगे उसको, ये आगे गया है, ये भी आगे गया है, और ये तो आगे गया ही गया है, ये भी गया है। तो उसको हम लोग जो स्विच का जो पार्ट रहेगा एक ठो, एक स्लॉट, उसको एक से और दूसरे को दूसरे से कनेक्ट कर देंगे। बाकी जब हम लोग इसको स्विच को ऑन ऑफ करेंगे, ऑन ऑफ करेंगे तो ऑटोमेटिक ये मतलब सप्लाई होगा, फिर बाइक ऑफ, जब स्विच ऑफ कर देंगे तो फिर ये सप्लाई खत्म, स्विच अपना जो लाइट जो है वो ऑफ हो जाएगा। ये जो डायग्राम बनाया हूँ मैं, ये वाला यूनिवर्सल जो भी अभी जितने भी बाइक वाइक आते हैं, जितने भी बाइक आते हैं, स्कूटर आते हैं, स्कूटी आती है, वो सब में ये सब, ये वाला जो स्लॉट हमेशा, ये वाला स्लॉट जो हमेशा रहता है, जिसमें कि जो ऊपर हमेशा ग्राउंड रहता है, ये हमेशा लो बीम हाई बीम मिला रहता है। तो हम लोग ये वाला वीडियो सभी वाला जो भी बाइक रहेगा सब में अप्लाई कर सकते हैं। ये वाला जो नेगेटिव पार्ट जो है, ग्राउंड जो है, ग्राउंड से काट के अप्लाई कर सकते हैं। अगर ये वाइज़र खोलना है तो यहाँ पास तीन नट है, एक यहाँ पास, दूसरा यहाँ पास, और तीसरा ये नीचे, आपको दिख रहा होगा, ये उंगली दिखा रहा हूँ मैं, यहाँ पास। अगर हम लोग तीनों नट खोल देंगे तो फिर वाइज़र को थोड़ा पुल करेंगे, थोड़ा वाइज़र को पुल करेंगे तो ये नट ऑटोमेटिक, तो फिर अपना ये वाइज़र ऑटोमेटिक अपने हाथ में आ जाएगा, खुल जाएगा। इस जगह पे ये बीच वाला वायर जो है, बीच वाला स्लॉट जो है ग्राउंड का होता है, तो ग्राउंड जो है वाइट वाला है, तो वाइट वाला को यहाँ से मैंने काट दिया, यहाँ से काटा, और यहाँ से काटने के बाद ऊपर से एक स्विच लगा के इसको ऑन ऑफ स्विच लगा के एक ठो से मैंने एक टर्मिनल इसको जोड़ दिया मैंने।